वेलकम टू सेल्स ओनली। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेटलैंड्स के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में 2 फरवरी 2022 को वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2 नए रामसर स्थल घोषित किए, जिनके नाम हैं वखीरा वन्यजीव अभयारण्य और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है स्थित और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। इससे पहले वर्ष 2021 में 5 नए भारतीय स्थल रामसर स्थल की सूची में शामिल किए गए थे, जिनके नाम हैं हैदरपुर वेटलैंड जो कि दिसंबर 2021 में शामिल हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और वाधवान झील जो कि गुजरात में है। साथ ही सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो कि हरियाणा में है। तो टोटल ये 2021 में शामिल किए गए भारतीय स्थल थे। अब जो दोनों नए अभयारण्य रामसर स्थल में शामिल हुए हैं, इनको कुल मिलाकर अब भारत में 49 हो गई है कुल आर्द्रभूमियों की संख्या भारत की, तो जो कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक है भारत में अब। साथ ही अब उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है, जिनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, शांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, सरसई नावर झील इटावा, पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य गोंडा, सूर सरोवर झील या कीटम झील जिसे भी कहते हैं आगरा में है, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है जो कि। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है रामसर स्थल और इनके महत्व, साथ ही भारतीय रामसर स्थल की संपूर्ण लिस्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। क्या होता है रामसर स्थल और रामसर अभिसमय? रामसर स्थल वे आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के स्थायी उपयोग व संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 1975 से अस्तित्व में आई और इसे रामसर संधि या अभिसमय भी कहा जाता है। इसकी लिस्ट में विश्व की प्रमुख वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। क्या होता है आर्द्रभूमि या वेटलैंड? ये नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र जो होते हैं उन्हें आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है, जिनके कई लाभ भी हैं। यह पानी को प्रदूषण मुक्त बनाती है, साथ ही इन क्षेत्रों में वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल की उपलब्धता बनी रहती है। आर्द्रभूमि कितने प्रकार है? अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, इसके अंतर्गत दलदली भूमि, झील, जलयुक्त दलदली वन भूमि, नदियां और तालाब आदि आते हैं। 2 पे है तटीय आर्द्र भूमि, इसके अंतर्गत मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, खारे पानी की दलदली भूमि, लैगून आदि आते हैं। 3 है मानव निर्मित आर्द्र भूमि, इसमें मछली के तालाब या धान के खेत आदि आते हैं। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं भारत में जितने भी आर्द्रभूमियाँ हैं और उन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैं, किस वर्ष ये शामिल की गई हैं, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। लास्ट के खिजड़िया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो 2022 में है, और पाँच जो आर्द्रभूमियाँ हैं ये 2 हरियाणा, गुजरात और 1 उत्तर प्रदेश की, ये 2021 में शामिल की गई हैं। अब उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, ये बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थान प्रदान करता है। इस वर्ष की थीम जो थी आर्द्रभूमि दिवस की थीम, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की भूमिका, ये थीम थी। और इसी अवसर पर भारत की आर्द्रभूमि पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, जो कि पिछले एक दशक में आर्द्रभूमियों में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।